शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी अपने चरम पर है। अब तक शहर पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे कई लोगों पर कार्रवाई की है। इसी श्रृंखला में बेलतोरोडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को धर दबोचने में यश प्राप्त किया है। पुलिस ने आरोपियों से कुल मिलाकर 1,86,293 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। कोरोना के संकट समय में भी कुछ लोग कालाबाजारी और जमाखोरी का काम कर रहे हैं। आए दिन शहर की पुलिस द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच बेलतोरोडी पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि कुछ लोगों द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके चलते उन्होंने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पृथ्वीराज मोइक, अविन शर्मा, अतुल वार्के, अनिल काकानी और मनोज कामरे का समावेश है। इस संदर्भ में बेलतोरोडी के पुलिस निरीक्षक ने अधिक जानकारी साझा की। 23 तारीख को हमें खबर मिली शाम को कि 5 इंजेक्शन लेके एक आदमी उसको कोशिश कर रहा है बेचने की। एक जो 1,000 का इंजेक्शन मिलता है वो 45,000 में वो बेच रहा है, तो उसके ऊपर से हमने वहाँ ट्रैप लगा के मनोज कामड़े नाम का एक आदमी अटक किया। उसको अरेस्ट करने के बाद हमें बाकी लोगों के बारे में पता चला। उसके बाद हमने अनिल काकानी, पृथ्वीराज मुड़ी, अश्विन शर्मा और अतुल वाड़के, इनको ताबे में लिया। सबको पूछताछ करने के बाद ऐसा पता चला कि उनके पास 7 इंजेक्शन थे रेमडेसिविर के, और वो 45,000 का एक बेच रहे थे, और उसके ऊपर से हमने उनके ऊपर गुना दाखिल किया। आगे का तपास चालू है। हाँ, उसका तपास चल रहा है। अभी उनका PCR लिया जाएगा। PCR लेने के बाद पता चलेगा कि वो कहाँ से खरीदा उसने और उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित है। इस वक्त पुलिस द्वारा जानकारी मिली कि आरोपी एक रेमडेसिविर इंजेक्शन को 45,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया व आगे की जांच पुलिस द्वारा जारी है।